इस गाने की रिलीज के बाद से पब्लिक नेहा कक्कड़ को काफी कोस रही है। इस गाने को YouTube पर अब तक 18 मिलियन यानी 1,80,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसके ओरिजिनल वर्जन के YouTube पर 353 मिलियन यानी कि 35,30,00,000 व्यूज है। फाल्गुनी जी ने जो पायल छनकाई थी वो सुनाई दी थी पूरे ब्रह्मांड तक। फाल्गुनी जी ने जो पायल छनकाई थी वो सुनाई दी थी पूरे ब्रह्मांड तक। और वहीं दूसरी ओर नेहा कक्कड़ के रिमिक्स ने चीर दिए दिल से लेके कान और कान से लेके। आज ज्यादा बात नहीं करूंगा कि किसके बारे में बात होने वाली है, किसके बारे में बात नहीं होने वाली है, तुम लोगों को पता ही है। डॉक्टर फ्लेम इन द फ्रेम गाइस, लेट्स पुट सम फ्लेम्स इन द वीडियो। अरे माइक बेटे, नेहा कक्कड़ की बात अभी शुरू भी नहीं है बेटे, तुम पहले क्यों गिर रहे हो? तुम तो महंगे हो, संभालो अपने आप को यार। तो तुम लोगों को पता ही है यार अभी क्या चल रहा है। फाल्गुनी जी ने बहुत पहले एक बहुत बढ़िया गाना निकाला था जिसका नाम था मैंने पायल है छनकाई। अब बदकिस्मती से हुआ कुछ यूं कि वो गाना गलती से नेहा जी को दिख गया और फिर क्या था, नेहा जी ने बोला इसी को गंदा करूंगी, इसी को गंदा करूंगी। तो देखो जैसा कि मैंने कहा कि फाल्गुनी जी के गाने का नाम था मैंने पायल है छनकाई, पर नेहा जी के रिमिक्स के बाद लोग पता क्या बोल रहे हैं, इसने पायल की छनकाई। अब देखो इस रिमेक को लेके मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जिनको मैं आगे रखना चाहता हूँ। अब वो सुन के तुम मेरे को हेट करो, वो सुन के तुम मेरे को प्यार करो, मतलब फर्क तो पड़ता ही है, पर दिल पे नहीं लूंगा इतना ज्यादा, बोलना तो है ही। अब मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले तुम यार ये सुनो। इस गाने के ओरिजिनल सिंगर फाल्गुनी पाठक ने भी ये जता दिया कि उन्हें भी नेहा का वर्जन बिल्कुल पसंद नहीं आया। डेली टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे 3-4 दिन पहले इस गाने के बारे में पता चला तो मैंने पहली बार इस गाने को सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इसे सुनकर बस उल्टी ही आ गई थी। इतना ही नहीं, फाल्गुनी पाठक भी नेहा के इस गाने से बहुत खफा हो गई हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनके पास अधिकार होता तो वो नेहा कक्कड़ पर केस तक कर देती। तो न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से फाल्गुनी जी का कहना है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं नेहा पे केस कर देती, और मैंने जब ये पहली बार गाना सुना मुझे उल्टी आ गई। सो देखो पर्सनली आई हेट कि किसी भी पुराने गाने का उठा के तुम लोग रिमिक्स बनाओ, चाहे वो अच्छा बनाओ चाहे तुम बुरा बनाओ। नहीं अच्छा तो खैर आजकल बनता ही नहीं है, बट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है जो ये लोग आजकल करते हैं। और ये जो नेहा कक्कड़ ने गाना बनाया इसको मैंने सुना भाई, पर्सनली मैंने सुना, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा गाना सुन के उल्टी आने जैसा मन कैसे होता है। क्या मतलब वॉल्यूम बढ़ा के सुनना था? देखो पर्सनली आई लव फाल्गुनी जी, एक तरह से लेजेंड है यार, क्या प्यारे प्यारे गाने दिए उन्होंने, है ना, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। पर यार देखो आपके गाने की उन्होंने ऐसी तैसी कर दिए तो भूल जाओ ना, ये केस कर दूंगी, उल्टी आ रही है, ये मतलब आपको तो खुश होना चाहिए ना यार, ये न्यू जनरेशन आपके गानों को बीट ही नहीं कर पा रही। और जिसको आपके गाने पसंद है वो आपके गाने ही सुनेंगे, ये क्यों सुनने जाएंगे वो लोग, ये एक बार पार्टी में बजेगा लोग दारू पी के भंड होकर नाचेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे कि नाचे किस पे थे। अब तुम बोल रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, भाई मैं बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं बोलता। एक मेरा दोस्त था साला, रात को जनरेटर की आवाज पे नाचा, दारू पी के भंड हो गए, रात को नाचा तो नाचा जनरेटर की आवाज पे, सुबह उठ के कह रहा है यार ढोल वाला कौन था, बड़ा कैट ढोल बजा रहा था यार, उससे मिलवा मुझे। और माफ करना है ख्यालों की डकार और है मेरे अंदर, वो भी मैं बक देता हूँ। मान के चलो अगर कहीं इस गाने में नेहा कक्कड़ की जगह टेलर स्विफ्ट होती, भाई साहब मैं बता रहा हूँ पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ना अभी सेम रिमेक को इतना हाइप दे रही होती, इतना हाइप दे रही होती, बस क्या ही बोलूं। सो कुल मिला के फाल्गुनी जी देखिए आपका बदला मैं लूंगा, आशीर्वाद दे दो, डॉक्टर फ्लेम स्टिल इन द फ्रेम। तो गाइस अब आ जाते हैं उस चीज पे जो रोस्ट हो सकती है, इंडियन आइडल। प्रभु परमेश्वर दया कर, मुझे नहीं लग रहा था ये काला काला आज खत्म होगा, साला ऐसा लग रहा था काला 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 बोल के उसे आज ही सफेद करके मानेंगे। भाई साहब सलमान अली क्या ही सिंगर है वो, उसके जैसा तो ये लोग गा नहीं सकते, इनके सारे ऑटो ट्यून फेल हो जाए, इन्होंने कहा नहीं उसी से अपने जैसा गवा लेते हैं, बात खत्म। और इनकी ये परफॉर्मेंस देख के भाई साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट की कोई कमी। भाई क्या आप यहीं पे बताऊंगा कैसे, सुनने के लिए तैयार हो फिर आ जाओ। तो भक्त जनो अपने डॉक्टर फ्लेम को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। ये नेहा कक्कड़ नहीं जा रही दिमाग से गाइस, मुझे पहले इससे ओवरकम करने दो। हे माँ सरस्वती कृपया करके नेहा कक्कड़ के गानों को मेरे दिमाग से निकालिए और मेरे दिमाग को सुरों से शुद्ध करिए। जय हो। 3, 2, 1, GO! Thank you.
फिर देखने को मिला डॉक्टर फ्लेम का अलग रूप। अरे यही टैलेंट नहीं है तुम्हारा भाई, थोड़ा बहुत गा भी लेता है। नहीं नहीं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं हाँ फ्लैक्स ही कर रहा हूँ मैं। और इन सब बातों को साइड रखो, मुझे गाने से याद आया, इंडियन आइडल वालों ने भाई साहब ये इकलौती हरकत नहीं है जो करी है। हाल फिलहाल में कंटेस्टेंट आया था भाई इंडियन आइडल में, रितो रिबा नाम का, भाई साहब इन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अब रितो रिबा ने इंडियन आइडल में जो गाया था वो मैं तुम्हें प्ले करके तो दिखा नहीं सकता भाई साहब, कॉपीराइट से डर लगता है, मुझे भी $100 पूरे करने हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इंडियन आइडल वालों को हुआ क्या, भाई साहब जिसके अंदर सुर थे भर भर के उसे बाहर निकाल दिया, बेसुरों को सिलेक्ट किया हुआ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब ये मन मन में सोचते होंगे, भाई ये तो हमसे अच्छा गा रहा है, इसे निकालो शो से, हम नहीं कर पाएंगे इसे, जज हम बताएंगे क्या इसको कि तेरे अंदर कमी क्या है। और एक और चीज विशाल सर, आप क्यों रुके वो शो में यार, आपके लिए बहुत इज्जत है दिल में यार, ऐसा मत करो। हमें तो पता ही नहीं था ये स्क्रिप्ट है भाई, नहीं हम तो नादान, दिमाग ही नहीं हमारे अंदर, नहीं हमें तो कहां ही पता चलेगा गाइस की स्क्रिप्ट थी, हम तो पागल है, सींग उगे हुए हमारे सिर पे। वो माइक पे जब आया वो बेचारा बेसुरा था, जब नेहा कक्कड़ ने बोला ना तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते, उसके अंदर इंतकाम की आग जल गई, ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी, फिर गुनगुनाया उसने नेहा कक्कड़ फ्लैट। बे यार तुमने गवाना था तो सिंपल पहले उसे गवा देते, पहले क्यों करा ये सब सीन। और नेहा मैम आपसे ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, दिल से हाथ जोड़ के अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज जब कोई कंटेस्टेंट गाना गा रहा होता है ना यार, चिल्लाना होता है माइक थोड़ा साइड कर लिया करो, ऑप्शन है उसमें घूमने की, उसको ऑफ कर दिया करो इतना यार प्लीज, इरिटेशन होती है बहुत। तो इंडियन आइडल के ऊपर मेरे सारे शब्द खत्म हो चुके हैं, वीडियो को मैं खत्म करूंगा एक प्यारी सी राइमिंग के साथ, बच्चे कुछ है वो कहीं तो यूज कर लूं। किसी भी बीमारी से अगर बचना हो तो स्ट्रांग करे अपने इम्यून को, किसी भी बीमारी से अगर बचना हो तो स्ट्रॉन्ग करे अपने इम्यून को। क्या बात है, नेहा मैम के सुर बड़े तगड़े लग रहे हैं, मैं जरा हटाना ऑटो ट्यून को। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो से ना ही फाल्गुनी मैम के फैंस ऑफेंड हो ना ही नेहा कक्कड़ के, देखो मैं सुनता दोनों को हूँ। बिसाले तू नेहा कक्कड़ को सुनता है? अबे चुप कर, बोलना पड़ता है, ये लोग ऑफेंड हो जाएंगे वरना, पागल है यार। हाँ तो कहाँ था मैं, हाँ देखो फैन किसी के ऑफेंड नहीं होने चाहिए, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, मेरा कंटेंट रोस्टिंग है तुम्हें पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो पसंद आ रही है तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।